मुझसे लेटर एक लिखवाया था जो मौलाना आजाद कॉलेज के बाहर लिखवाया गया किस था, तारीख को भैया? पहली तारीख को। आप जानते कैसे मृत्युंजय को? मैं एक महीने से जानता हूँ उनको, जब मैं दिसंबर में गया था कॉलेज, तभी से कॉलेज के बाहर हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, उसके बाद उनकी दोस्ती हो गई उनसे, उसके बाद मुझसे लेटर लिखवाया गया। क्या लिखवाया लेटर में? मृत्युंजय ने लिखवाया कि मृत्युंजय वो अपना विधायकी का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे कि इसलिए वो अपना फिजा बना रहे थे। ऐसा तो उसमें नहीं लिखा कि वो विधायकी का इलेक्शन लड़ना चाह रहे वो थे। लड़ना नहीं लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था मुझसे कि मुझे विधायकी का इलेक्शन लड़ना है जो मुझे अपनी फिजा बनानी है। तो उसमें ये लिखा था, मृत्युंजय वाजपेयी तुम किसी भी घर बड़े घर मेहमदार के घर से सख्त से संबंध रखते हो। आपने अंतिम मन से लिखा था कि उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा लिखी है? उन्होंने बताया था मुझे। कहाँ लिखा गया लेटर? कॉलेज के बाहर। बाहर कहाँ? बाहर जो बेंच पड़ी है, बेंच वेंच बनी है, उसी पे बैठकर, उसी पे बैठकर लिखवाया कर, उसके बाद लिख कर उन्होंने मुझसे ले लिया। उसके बाद हम घर चले आए सीधे, उसके बाद सीधे 5 तारीख को हम कॉलेज गए, तब मुझे मृत्युंजय ने फ़ोन किया कॉलेज आओगे कि नहीं आओगे, तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, उसके बाद मैं तैयार हो गया कि कॉलेज जाऊँगा। उन्होंने कॉलेज बाद में 9:10 पर कॉलेज पहुँचे, उसके पहले हम पहुँच गए थे, जबकि हम मैं ग्राउंड में खड़ा रहा। ग्राउंड में खड़े रहने के बाद जब मृत्युंजय आ गए तभी कॉलेज में साथ में गए क्लास को, तो क्लास में सीट पे मिट्टी लगी थी, तो उसको पोछने के लिए मृत्युंजय ने मुझसे कहा था कागज़ का टुकड़ा कहीं पड़ा होगा देखो, तो उसके बाद कागज़ का टुकड़ा मृत्युंजय ने देखा। कहाँ देखा? खिड़की के पास, खिड़की के पास देखा मृत्युंजय ने कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उसको उठाया और उसको खोला और मुझसे कहने लगे कि इसको पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को व्हाट्सअप कर दिया वो पर्चा, पिताजी उनके मौलाना आजाद कॉलेज आपको नहीं दिए वो पर्चा जो मृत्युंजय ने देखा था पर्चा, वो आपको दिए दिया उन्होंने कि नहीं दिया वो देखने? मुझे नहीं दिया। अच्छा नहीं, मैं उसके पास में खड़ा था तब भी मैंने भी पढ़ा था कि उसमें ये सब लिखा। तो आपने तो देखा होगा कि हमारी हैंडराइटिंग का है वो पर्चा? देखा तो था लेकिन मुझको दिया गया नहीं, वो नहीं दिया हमने, उन्होंने नहीं दिया, वो खुद ले ले। उसके बाद पिताजी को व्हाट्सअप कर दे, पिताजी मौलाना आजाद कॉलेज आए, उसके बाद प्रिंसिपल सर से बात हुई, प्रिंसिपल सर ने कहा इसको एप्लीकेशन महमूदा थाने में दो जाकर, तब उन्होंने महमूदा थाने में जाकर एप्लीकेशन दिए। इतनी ही बात है पूरी। फिर पुलिस आप तक कैसे पहुंची? वो मृत्युंजय ने मेरा मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस सब लिखवा दिया था वहाँ। फिर उसके बाद भी 2-3 लेटर 4 लेटर मिले धमकी भरे, वो उस बारे में आप क्या जानते हैं? उसमें उसके बारे में सर हम कुछ नहीं जानते हैं, वो तो मैंने पुलिस को भी यही बताया था कल कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। उसके बाद पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था, पूछताछ के बाद सुलह हो गया, उसके बाद हम घर चले आए सीधे रात में, बस इतनी बात है।